फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक बेसमेंट ऑफिस दिखाया जाता है जिसमें कि दो साइंटिस्ट होते हैं और यहाँ पर किसी तरह का सीक्रेट एक्सपेरिमेंट टाइप का कुछ चल रहा होता है और ये एक्सपेरिमेंट बाकी की कंट्रीज ने भी कराई लेकिन वो इसमें सक्सेस नहीं हो पाए और अब दो देश जापान और अमेरिका इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये एक मिस्ट्री है और ये हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। फिर हमें नेक्स्ट ईयर का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम पांच दोस्तों को देखते हैं। इस मूवी में हम क्रिस हेम्सवर्थ को भी देखते हैं। आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैं आपको इन पांच दोस्तों के नाम बताते चलती हूँ। इनमें जूली और डायना है जो लड़कियाँ होती है, फिर मार्टिन, कर्ट और गोल्डन जो लड़के होते हैं और ये सभी प्लान बनाते हैं जंगल में जाकर एक्सप्लोर करने का और ट्रैकिंग करने का। और अब ये वैन स्टार्ट करते हैं और जंगल के लिए निकल जाते हैं। इनके वहाँ से निकलते ही हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इन पर नज़र रखे हुए होता है और वो किसी को कॉल करके बताता है कि वो यहाँ से निकल चुके हैं। और अब रास्ते में हमें एक गैस स्टेशन दिखाया जाता है और ये पाँचों दोस्त डिसाइड करते हैं कि ये लोग थोड़ी सी गैस भरवा लेंगे। लेकिन ये गैस स्टेशन बहुत ही पुराना होता है और जो इस स्टेशन का मालिक होता है वो इन लोगों से बहुत ही बदतमीजी से बात करता है और फिर ये लोग उससे वुड हाउस का एड्रेस भी पूछते हैं, जिसके बाद उसने उन्हें बताया कि उन्हें टनल के जरिए जाना होगा और उन्हें गैस देने से भी मना कर देता है, जिसके बाद ये लोग उसी टनल से वुड हाउस के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हमें एक चील को उड़ते हुए दिखाया जाता है जो कि एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इन लोगों को यह बात पता नहीं होती है कि यहाँ पर एक इनविजिबल वॉल भी बनी हुई है। वुड हाउस जाने के लिए इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो भी टनल के जरिए, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक भी होता है। इसके बाद ये लोग फाइनली वुड हाउस तक पहुँच ही जाते हैं और इनको ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है, लेकिन हर खूबसूरत चीज के पीछे एक खतरा जरूर होता है। तो यहाँ पर गोल्डन को एक बहुत ही अजीब पेंटिंग दिखती है जो कि बहुत ज्यादा भयानक होती है, जिसमें कि बहुत ज्यादा खून खराबा है। और जब वो उस पेंटिंग को हटाता है तो वो उसके साइड दूसरा साइड भी देखता है और दूसरे साइड से उसे डायना भी देखती है जो कि दूसरे रूम में होती है। इसका मतलब इस रूम में ऐसे बनाया गया है कि किसी सामने वाले का रूम को भी देखा जा सके, लेकिन जो सामने वाला होता है उसको इस रूम के बारे में पता नहीं होता। गोल्डन यह बात डायना को बताता है जिससे कि ये लोग रूम को एक्सचेंज कर लेते हैं। इसके बाद वो उस पेंटिंग को वहाँ पे दोबारा लगा देती है क्योंकि ये पेंटिंग काफी ज्यादा भयानक दिखती है, तो वो उसके ऊपर एक कपड़ा डाल देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक साइंटिस्ट की टीम होती है जो कि इन पर नजर रखे हुए होती है। इन पर नजर रखने के लिए उन लोगों ने एक कैमरा को भी लगा रखा है। ऐसा लग रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट इनके ऊपर ही किया जा रहा है। यहाँ तक कि इन लोगों ने जंगलों में भी कैमरा लगा रखे थे और ये सभी चीजों को कंट्रोल करते थे और इस जंगल में होने वाले सारी गतिविधियों को यही कंट्रोल करते थे, जैसे कि हवा, बारिश, एवरीथिंग। और अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो गैस स्टेशन का मालिक होता है, जिसे हमने सीन में थोड़ी देर पहले देखा था, वो साइंटिस्ट को कॉल करके बताता है कि वे लोग यहाँ से निकल चुके हैं और वो साइंटिस्ट को ये भी बताता है कि इन लोगों को कम मत समझना, ये लोग बहुत ही ज्यादा चालाक है। जिसके बाद साइंटिस्ट उनसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे का हम संभाल लेंगे। फिर ये जो ऑफिस के साइंटिस्ट होते हैं वो आपस में बैट लगाना स्टार्ट कर देते हैं और ये कहते हैं कि देखते हैं कि इन्हें पहले कौन सा जानवर मारता है और कौन पहले मरेगा। सारे खतरों से अनजान ये पांचों फ्रेंड्स आपस में बातें करना चालू कर देते हैं और मस्ती मजाक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक से बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है और सभी लोग डर जाते हैं। जिसके बाद ये लोग उस बेसमेंट को चेक करने के लिए चले जाते हैं कि आखिरकार उसमें है क्या। और यहाँ उन्हें बहुत सारे लोगों के कपड़े मिलते हैं और बहुत सारी अट्रैक्टिव चीजें मिलती हैं। अभी ये लोग इन चीजों को देख ही रहे होते हैं कि तभी डायना को एक पुरानी सी और बहुत ही अजीब सी डायरी मिलती है जो कि एक छोटी सी बच्ची की होती है, जिसमें लिखा था कि उसके फादर ने उसके मॉम पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया है, फिर उसने बहुत ही बेरहमी से उसे मार दिया था। उस डायरी के लास्ट में कुछ लिखा होता है। डायना जैसे ही उसे पढ़ती है उस बेसमेंट से कुछ ज़ॉम्बीज बाहर निकलने लगते हैं। फिर हम जूली और कल्ट को रोमांस करते हुए देखते हैं, तभी अचानक से उन पर एक ज़ॉम्बी का हेड आकर हमला कर देता है जो कि जूली को बहुत ही बेरहमी से उसके गर्दन को काटकर उसे मार डालता है। उसको मारते ही हमें एक स्टैचू दिखाया जाता है जिसमें कि जूली का खून चला जाता है और ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें मूवी के लास्ट में पता चलेगा। ये सब देखने के बाद कल्ट बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो सीधा भागकर अपने कॉटेज में आ जाता है और वो अपने दोस्तों को बताता है कि जूली मारी जा चुकी है, लेकिन ये ज़ॉम्बीज यहाँ भी आ जाते हैं और वो जूली की गर्दन उठाकर डायना के हाथ में रख देते हैं, जिसके बाद डायना बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। जिसके बाद इन लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि ये किसी की चाल है और यहाँ पर जिन लोगों के सामान इन लोगों ने देखे थे उन्हें भी यहाँ पर फंसाकर जान से मार दिया गया होगा। इसके बाद सभी लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं
और वो साइंटिस्ट जो कि सारी चीजों को कंट्रोल करते थे वो उनको उन्हीं घर में लॉक कर देते हैं ताकि ये लोग बाहर न जा सकें। फिर मार्टिन को एक कैमरा दिख जाता है जिससे कि ये लोग उन पर नजर रखे हुए थे। इसके बाद वो समझ जाता है कि कोई इन पर नजर रखे हुए है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी को इसके बारे में बताता जॉम्बीज उसे भी मार देते हैं। इसके बाद उसका खून भी उसी स्टैचू के अंदर चला जाता है और ऐसा क्यों होता है ये तो हमें लास्ट में पता चलने ही वाला है। और अब हमें डायना और गोल्डन को दिखाया जाता है जो कि बचने के लिए दूसरे बेसमेंट में चले जाते हैं। उस बेसमेंट में जाने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि पहले के लोगों को यहीं पर मारा गया था। डायना बोलती है कि वो हमें भी मार देंगे, लेकिन गोल्डन उसे समझाता है कि हमें कुछ नहीं होगा, हम सब यहां से जिंदा वापस जाएंगे। लेकिन तभी जॉम्बीज उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें वहीं पर लटका देते हैं। यहाँ पर डायना बहुत ही बहादुरी दिखाती है, वो जॉम्बीज को चाकू से मारकर बुरी तरह से घायल कर देती है, जिसके बाद गोल्डन और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। भागते भागते वो लोग अपने वैन के पास पहुँच जाते हैं और वो वैन में जाने के बाद वैन स्टार्ट करके फिर भागना स्टार्ट कर देते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में हमें जापान का एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की मेंढक में बदल जाती है, यानी कि उनका एक्सपेरिमेंट भी फेल हो चुका होता है। इसका मतलब यही होता है कि इसी तरह के एक्सपेरिमेंट कई जगहों पर चल रहे होते हैं लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हो पाता, इसलिए अपनी सारी उम्मीदें बस अमेरिका पर टिकी हुई होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट को अचानक से याद आता है कि उसने टनल को नहीं उड़ाया था, इसलिए वो तुरंत टनल को उड़ा देते हैं क्योंकि टनल ही एक रास्ता था जहां से वो वापस आ सकते थे, जिसके बाद वो लोग वहां पर फंस जाते हैं। जिसके बाद कल्ट बोलता है कि मैं बाइक स्टंट कर सकता हूं और उस पार जाकर किसी से मदद लेकर आऊंगा, लेकिन जैसे ही वो ऊपर छलांग लगाता है उसकी बाइक एक दीवार से टकरा जाती है और वो नीचे खाई में गिरकर मर जाता है। जिसके बाद इन लोगों को समझ में आ जाता है कि उनको यहाँ पर कैद करके रखा गया है। इसके बाद गोल्डन और डायना कॉटेज वापस जाने लगते हैं, लेकिन इनके वैन में एक जॉम्बी पहले से ही होता है जो कि गोल्डन के गले में एक सरिया घुसा देता है। इसके बाद उनकी वैन वहीं पर पलट जाती है और अब इसके बाद डायना ही जिंदा बची हुई होती है, इसलिए ये लोग सेलिब्रेट करते हैं कि वो सभी मारे जाएंगे और इसके बाद रिचुअल कम्प्लीट हो जाएगा और हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और जैसे ही जॉम्बीज डायना को मारना स्टार्ट करते हैं इन लोगों की सेलिब्रेशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उनकी किस्मत वहाँ पे खराब होती है क्योंकि यहाँ पर मार्टिन आ जाता है, क्योंकि ये लोग मार्टिन को मरा हुआ समझ रहे थे। अचानक मार्टिन को देखकर ये लोग शॉक हो जाते हैं कि अब तक वो जिंदा कैसे है। फिर वो जॉम्बी को मार डालता है और डायना को बचा लेता है। जब ये सब साइंटिस्ट देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि मार्टिन मारा जा चुका है, लेकिन मार्टिन डायना को लेकर उसी बेसमेंट में आ जाता है जहां से वो जॉम्बीज बाहर निकलकर आ रहे थे। और जो जॉम्बी मार्टिन को यहां पर खींच कर लाया था उसने उसे वहीं पर खत्म कर दिया, जिसके बाद हम देखते हैं कि नीचे एक डोर खुल जाता है और ये लोग वहां पर चले जाते हैं। वहां जाने पर इन्हें बहुत सारी क्रिएचर चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि एक भेड़िया और एक शैतानी आत्मा, एक आदमी जिसके सर में लोहे का रॉड घुसा होता है और वह डायना को बोलती है कि उन्होंने हमें चुना है कि हमारी मौत कैसे होगी। तब हमें कैमरा जूम आउट करके दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें एक बॉक्स दिखाया जाता है जिसमें अलग अलग तरह के क्रिएचर कैद करके रखे गए थे और अब मार्टिन और डायना भी यहाँ पे कैद हो चुके थे। फिर हम देखते हैं कि साइंटिस्ट बहुत ही परेशान होते हैं, वो सोचते हैं कि मार्टिन जिंदा कैसे बच गया और फिर ये उन दोनों को मारने के लिए अपने गार्ड्स को भेज देते हैं, लेकिन तभी ये दोनों मौके का फायदा उठाकर उस आदमी को मार डालते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। अब ये लोग उस बिल्डिंग में आ जाते हैं जहां पर वो साइंटिस्ट काम करते हैं, लेकिन अभी भी मुश्किलें कम नहीं हुई थी। लेकिन तभी इन्हें मारने के लिए और गार्ड्स आ जाते हैं और ये इन लोगों से बचने के लिए एक कंट्रोल रूम में छुप जाते हैं। फिर ये गार्ड्स इन पर गोलियों की बरसात कर देते हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग एक कंट्रोल रूम में होते हैं डायना एक स्विच ऑन करके सारे क्रिएचर्स के गेट खोल देती है। फिर क्या था, उन बॉक्सेस से अलग अलग तरह के डायनासोर निकल के आने लगते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद एक एक करके सारे बॉक्सेस खुलना चालू हो जाते हैं और ये पूरा बिल्डिंग क्रिएचर्स से भर जाते हैं और ये फिर एक एक करके सबको मारना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ये पूरा बिल्डिंग शमशान बन जाता है, लेकिन अब तक ये लोग इस बात के मजे ले रहे थे, लेकिन अचानक से उन पर भी कोई मजे लेने लगता है। फिर एक खतरनाक बैट उड़कर कंट्रोल रूम में आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों बचकर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि कुछ खतरनाक क्रिएचर्स साइंटिस्ट को मारने लगते हैं, फिर वो एक एक करके सारे साइंटिस्ट को खत्म कर देते हैं, जिसमें से सिर्फ एक साइंटिस्ट बचा है जो कि इनका मेन लीडर होता है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर बेसमेंट में भाग जाता है। लेकिन तभी डायना उसके पेट में चाकू मार देती है और अपने दोस्तों के मौत का बदला लेती है। साइंटिस्ट मरते मरते डायना से बोला कि उसे मार दो, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि मारना किसको है। फिर डायना और मार्टिन भागते हुए नीचे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जहां पर इन्होंने स्टैचू को देखा था जिसमें उनके दोस्तों का खून बह के जा रहा था।
जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि ये पांचों मूर्तियाँ उनका ही रूप है और ये किसी तरह का रिचुअल हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है असली विलन की, जो कि इस कंपनी की डायरेक्टर होती है, और वही इस सारे सच को इन लोगों को बताती है कि यह रिचुअल्स है जो कि पूरी दुनिया में किया जा रहा है। बाकी सभी देश वाले इस रिचुअल में फेल हो चुके हैं, बस हमारा ही रिचुअल पूरा होने वाला है। इसके बाद ये उन दोनों को बताती है कि उन्हें 5 यंग लोगों की जरूरत होती है ताकि वो शैतानी गॉड को बलि दे सके, इससे पूरी दुनिया जिंदा रह सकेगी। और वह बताती है कि ये 5 लोग कौन होना चाहिए, जिसमें पहली लड़की होना चाहिए जो कि सबके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए तैयार हो जाए, जो कि जुड़ी होती है। दूसरा होना चाहिए एक एथलीट जिसका नाम होता है कल्ट। तीसरा होना चाहिए स्कॉलर जो कि होता है वह गोल्डन होता है। और चौथा होना चाहिए बेवकूफ लड़का जो कि मार्टिन होता है। मार्टिन ये सब सुनकर हंसने लगता है। और पांचवी होती है वर्जिन लड़की जो कि डायना होती है। जिसके बाद ये डायरेक्टर उन दोनों को बताती है कि अगर उन्होंने शैतानी गॉड को बलि नहीं दी तो वो शैतानी गॉड बाहर आ जाएंगे और सारी दुनिया को तबाह कर देंगे, और इस सारी दुनिया को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम दोनों को अपनी जान देनी ही पड़ेगी। ये सब सुनने के बाद डायना कन्विंस हो जाती है और वो मार्टिन के ऊपर बंदूक तान देती है, लेकिन तभी एक वुल्फ थिएचर आकर डायना के ऊपर हमला कर देता है। और इधर में दिखाया जाता है कि मार्टिन और डायरेक्टर के बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाता है, और इसी बीच एक ज़ॉम्बी आकर डायरेक्टर को भी लेकर उसी खाई में गिर जाता है। लेकिन तभी इन्हें महसूस होता है कि इनके आसपास की जगह हिल रही है, इसका मतलब वो शैतानी गॉड बाहर आ रहा है। और मार्टिन बोलता है कि हमारा वीकेंड काफी अच्छा रहा, हमने काफी एंजॉय किया, लेकिन तभी बहुत ही बड़ा हाथ जमीन को फाड़कर बाहर आता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें आपके इस सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।